हम लोग ऐसे कोशिश करते हैं क्योंकि उकटा रोग इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है इस सीज़न में, जो पानी का निकाव जल निकास जो अच्छा नहीं होता है, इसके चलते फ्यूजेरियम विल्ट जो होता है ये बहुत नुकसान करता है, क्योंकि इसमें आपका कोई उपाय नहीं है नियंत्रण करने के लिए, केमिकल मेजर से भी इसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको प्रतिरोधी किस्म जो होता है उसको चुनना पड़ेगा। जैसे आपका उकटा रोग का प्रॉब्लम है तो प्रतिरोधी किस्म जैसे हो गया आशा, हो गया बहार, हो गया बिरसा अरहर एक, हो गया नरेंद्र अरहर एक, हो गया ये सब आपको लेना चाहिए। बीजोपचार के लिए सर्वप्रथम 1 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बेंडाजिम के मिश्रण अथवा 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा साथ ही 1 ग्राम कार्बाक्सिन या कार्बेंडाजिम से उपचारित करें। बोने से पहले हर बीज को अरहर की विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। हमारा जो फल मक्की जो होता है ये जैसे आपका पॉड का जो फॉर्मेशन स्टेज है उधर से शुरू होता है, इसका जो ग्रब होता है माने इसका लार्वा जो होता है ये दाना जो दाना बन रहा है उसको खा लेता है, और जो फल मक्की जो बनता है मक्की जो है इसका रस जो है चूस लेता है। तो ये दोनों स्टेज में इसका डैमेज होता है। तो इसके लिए आपको 50% फ्लावरिंग, जैसे आपका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है आप खेत में जब देखेंगे तब से ही आपको स्प्रेइंग करना शुरू करना होगा। जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपको स्प्रे करना है हर 10 दिन में, ताकि ये रिपल करता है जो भी कीट होता है ये इसको रिपल करता है। और इसके साथ हम लोग फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं इसके लिए। फिर आपका जो अगर ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा है जो केमिकल कंट्रोल में अगर जा रहे हैं, तो इंडोक्सोकॉर्बेक है ये 15 दिन का अंतर में एक बार स्प्रे करना चाहिए। जब तक आपका पॉड पूरा फॉर्म ना हो तब तक इसका स्प्रे कर सकते हैं हर 15 दिन में। और आपको ज़्यादा लग रहा है आपका खेत में जो थ्रेशोल्ड लेवल से बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपको स्पेनोसार्ड, क्विना जो प्रोफेनोफॉस, क्विनालफॉस ये सब आप दवा छिड़कारी कर सकते हैं। और इसके साथ रोग में जो मैंने बोला है उकटा रोग जो है बहुत परेशान करता है, क्योंकि जल निकास के लिए हम लोग पहले ही प्लान करना है, जो हम लोग रिज एंड फरो मेथड में जो मेड़ बना के हम लोग को अरहर का रोपाई करना है, ताकि हमारा जल विकास अच्छा से होगा, हमारा जो रूट जोन है जड़ का जोन है उसमें एरेशन अच्छा होता है और उकटा रोग का कम होता है। तो उकटा रोग को कम करने के लिए और एक तरीका है जोवार, जोवार का जो इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उकटा रोग का जो फैलना जो है कम होता है, जोवार वो फैलने के नहीं देता है। बीच बीच में रो के बीच बीच में आपको जोवार लगाना है, जैसे 2 रो का अरहर लगाएंगे 1 रो का जोवार, ऐसे प्लान कर सकते हैं।